घर दो तीन कोठरी माने गिर के बर्बाद हो गया अगस्त महीना में बरसात के कारण, और अभी हमको रहने फंसाने में दिक्कत हो रहा है। रिंधना खाना बनाए वही ठो परंडा है छोटा सा, उसी में हम लोग रिंध पका खा रहे हैं और बाहर में भी सो रहे हैं और बाहर ही में रिंधना खाना हो रहा है। और तो हमको बहुत दिक्कत है, हम भी माने जनवरी महीना में घर से दो तल्ला बिल्डिंग से गिर गए, उसी से हमारा दो हाथ पैर जो है थोड़ा डैमेज हो गया है, हम कमा खा नहीं पा रहे हैं। अगर कोई माने आपदा प्रबंधन से हमको मिलता तो अभी तक ले हमारा माने सब सुचारू रूप से काम चलता। हम लोग नॉमिनेशन दिए, वो अभी तक ले हम लोग को पास नहीं हुआ है, का हुआ नहीं हुआ कोनो पता नहीं है, अभी तक ले हम लोग को नहीं मिला है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आंधी तूफान और अधिक बारिश के कारण मानवीय पीड़ा और संपत्ति का नुकसान एवं क्षति होने पर प्रभावित समुदाय को तुरंत राहत पहुंचाने का प्रावधान है। पूरे बसिया ब्लॉक में 100 से ऊपर लोगों ने आपदा प्रबंधन राहत राशि के लिए अगस्त 2017 को फॉर्म भरे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई राहत मुहैया नहीं करवा दिया गया है। आपका घर गिरा तो आपको और आपके परिवार में क्या परेशानी हो रही है? घर में बहुत दिक्कत हो रहा है, रहना सहना बैठना खाना पीना हम लोग बाहर ने बनाते हैं खाते हैं, और रहना सहना सोने के लिए बहुत दिक्कत होता है, ठंडा का महीना भी है, हम लोग इतना दिक्कत से अपना टाइम गुजार रहे हैं किसको बताएंगे। इसके लिए आप कहीं आवेदन दिए हैं? दिए थे पहले, लेकिन मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है कि कब होगा नहीं होगा। कहाँ दिए हैं? यही पर मतलब फोटो करके ले गया था, लेकिन आज कल करते करते अभी टाइम बीत गया, कोई पता नहीं चल रहा है। अंचल अधिकारी साहब मिले हैं? सही, एक आदमी गया था, हम तो नहीं गए थे, लेकिन एक आदमी गया था, हमको आके बोला कि काम हो जाएगा आपका, ऐसा बात नहीं है, मतलब दो चार दिन हफ्ता में काम हो जाएगा, करते करते इतना टाइम गुजर गया। इनका सारा डॉक्यूमेंट्स मैं अंचल कार्यालय में जमा किया था और मुझे अंचल पदाधिकारी से आश्वासन दिया गया था कि अत्यधिक एक महीना के अंदर में मुआवजा आपको दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई न सूचना प्राप्त हो रहा है न प्रशासनिक अधिकारी को ध्यान दिया जा रहा है। प्रोसेस क्या है सबसे पहले ये समझना होगा, फील्ड से जितना भी एप्लीकेशन आता है और सक्षम प्राधिकारी जो है जिसको स्वीकृत करने के लिए सक्षम है उनके हम लोग रिकॉर्ड भेजते हैं। रिकॉर्ड भेजने के बाद जिसका सही पाया जाता है संतुष्ट होते हैं, स्वीकृति मिलता है, स्वीकृति के उपरांत यहाँ लौटाया जाता है, उसके बाद वहाँ से फंड हमको मिलता है, उसके बाद यहाँ हम भुगतान करते हैं। मोटा मोटी 2 सप्ताह पहले हम लोग को स्वीकृत होकर मिल गया है, भुगतान करने का प्रक्रिया चल रहा है। दूसरा जिसका डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर नहीं दिया था तो किस अकाउंट में जाएगा वैसा परिस्थिति में, तो इसके लिए अकाउंट नंबर हम मंगवाएंगे, मंगवा करके फिर लोगों का भी पेमेंट करेंगे। तो सर कब तक होगा ये बिल में? देखिए ये तो 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगा, बिल बनाएगा उसके बाद बिल वहाँ पुटअप करेगा, उसके बाद ही वहाँ से ट्रेजरी के माध्यम से वहाँ जाएगा सीधे वो लोग का अकाउंट में। मैंने इस मुद्दे पर वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि 6 महीना गुजर जाने के बावजूद भी उन्हें कोई राहत का राशि नहीं दिया गया है। इस समस्या से संबंधित अंचल अधिकारी जिनका नाम है बुधाई सारू की ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर इस समस्या से अवगत कराएं ताकि जल्द से जल्द कागजी कार्य पूर्ण हो और मुआवजा दिया जाए। मैं शांति, गुमला जिला, झारखंड से इंडिया अनहट के लिए।